हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया टॉप सेलिंग एसयूवी मारुति ब्रेजा के बारे में, और इसमें आपको क्या फीचर्स आते हैं या लोग इसे कितना क्यों खरीद रहे हैं उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहले ऐसा था कि मारुति की ब्रेजा में सबसे कम फीचर्स आते थे, तो मारुति ने इसकी नई जनरेशन के साथ इस गाड़ी में इतने ज़्यादा फीचर्स दे दिए कि पूरा कॉम्पिटिशन ही इस गाड़ी ने ख़त्म कर दिया। तो ऐसा क्या है इस गाड़ी में उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये है इसका टॉप एंड वेरिएंट ZXi प्लस ऑटोमेटिक में, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं आता, सिर्फ के डुअल टोन का वेरिएंट आता है, पर यही सबसे टॉप एंड वेरिएंट है और इसमें आपको सभी के सभी फीचर्स, मतलब दुनिया भर के सभी फीचर्स आपको इस गाड़ी में कंपनी ने दे दिए हैं। तो वो क्या है वो उसके पहले बात कर लेते हैं। तो इस अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, जो प्राइस है मुंबई में, अगर मैं बात करूँ एक्स शोरूम वो तो सेम होती है, वो है 13,88,000। अगर मैं बात करूँ इसका मैनुअल वेरिएंट वो 1.5 लाख सस्ता आता है, तो अरेबन वो 12.25 लाख का आता है एक्स शोरूम, ये 13,88,000 एक्स शोरूम है, जिसकी ऑन रोड कॉस्ट मुंबई में है 16,32,000, 16,32,000 की अराउंड, मतलब ऊपर नीचे जो भी एग्जैक्ट होगी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, पर 16,30,000 की अराउंड आपको इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस पड़ती है मुंबई में, मतलब अगर आप मुंबई में ख़रीदना चाहो तो यही प्राइस आपको पड़ती है ZXi प्लस ऑटोमेटिक के लिए, और ऑटोमेटिक और मैनुअल में 1.5 लाख का फ़र्क आता है। और अगर मैं बात करूँ फ्रंट साइड की, तो वो पूरा का पूरा कंपनी ने चेंज कर दिया है। अगर आप देख रहे हैं तो पूरा का पूरा नया लुक है इसमें, नए लाइट्स हैं, नई ग्रिल है, सभी का सभी नया है, पर चाबी वही पुरानी है, मतलब अगर आप देख रहे हैं लॉक अनलॉक का सिर्फ बटन आता है और दो स्मार्ट कीज इसमें आपको दी जाती है। एक अच्छी बात है कि जो इसका रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको दोनों साइड पर मिलता है, जैसे मारुति की हर एक मतलब गाड़ी में आपको मिलती है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं पैसेंजर साइड पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया जाता है। अगर बात करूँ फ्रंट से, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इसके लाजवाब LED हेडलाइट्स, तो जो पहले की ब्रेजा में भी सेम, मतलब सेम नहीं थे, मतलब जो इसकी पावर है या हाईलाइट या आप कह सकते हैं हाईवे पे जो विजिबिलिटी है वो बेहद ही लाजवाब है, मतलब काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पे ड्यूल बैरल के मिलते हैं और ऐसे कुछ इसकी यूनिक से DRLs, काफ़ी यूनिक से DRLs आपको मिलती है, और यहाँ पर आपको दिया गया है इसका इंडिकेटर। नीचे अगर आप देख रहे हैं तो ये इसका फॉग लैम्प है, वो भी आपको LED बेस में ही मिलता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब हैलोजन में दिया है, सभी का सभी सिस्टम आपको LED में ही दिया जाता है। अगर बात करूँ ये स्किड प्लेट, ये भी आपको सिल्वर फिनिश में है, काफ़ी बड़ी रेडिएटर ग्रिल है, सुजुकी का लोगो, क्रोम का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से किया गया है, और एक काफ़ी बुच लुक आती है अगर बात करूँ इस गाड़ी की, और काफ़ी सुंदर भी दिखती है। ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये पहली बार मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है, और काफ़ी यूनिक सा लगता है इस गाड़ी को, और मतलब अगर आपको स्टैंडर्ड वाइट या रेड कलर से कुछ अलग लेना है तो ये कलर काफ़ी अच्छा है। अगर बात करूँ साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे मतलब चेंजेस है, अगर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी सी क्लैडिंग दी है, जिससे ये टायर थोड़े छोटे लगते हैं, पर ये छोटे हैं नहीं, अभी भी ये 16 इंचेस की है। एलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और अगर आप देख रहे हैं इसकी एग्जैक्ट जो साइज़ है वो है 216 215 60 R 16 16 इंचेस के हैं। फ्रंट में डिस्क, पीछे ड्रम, और ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, सिर्फ ये पार्ट से ये थोड़े से छोटे लगते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिए गए LED टर्न इंडिकेटर्स, जो इस पर मतलब ORVMP आती है, ऑफकोर्स टॉप एंड वेरियंट है। और एक बात मैं और एक कहना भूल गया, जो दुनिया भर के फीचर्स है वो मतलब इधर से ही स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे आपको 360 डिग्री का इसमें कैमरा भी मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका फ्रंट कैमरा, ये इसका फ्रंट कैमरा है, और ORVM पे दोनों साइड पे कैमरा है, अगर आप देख रहे हैं 360 डिग्री कैमरा थे, ORVM पे भी कैमरा आपको यहाँ पे दिया गया है। ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो मारुति ने सनरूफ की भी जो ख्वाहिश थी वो कम्प्लीट कर दी है, जो ZXi और ZXi प्लस दोनों वेरियंट में आता है, और ये रूफ रेल्स है काफ़ी अच्छी दिखती है, पर आपको यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स नहीं मिलते, ये बॉडी कलर्ड ही आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और ऐसा कुछ इसका मिलता है आपको इंटीरियर। अगर चलते हैं पीछे तो यहाँ पे देख रहे सी पिलर भी काफ़ी अच्छा किया है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे तो मारुति की तारीफ़ करना बनता है, ऐसी लुक यहाँ पे मारुति ने दे दी है कि मतलब काफ़ी मतलब जो बड़े बड़े महंगी कार्स आती है रेंज रोवर, वैसी लुक मारुति ने इस गाड़ी को दी है, जो वाकई में काफ़ी अच्छी दिखती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं LED का काफ़ी अच्छा यहाँ पे एलिमेंट है, ये टर्न इंडिकेटर्स और इसकी रिवर्स लाइट, ब्रेजा की मैचिंग मिलती है, अब ये विटारा ब्रेजा नहीं है, तो वैसे पीछे आपको काफ़ी अच्छा है, वाइपर्स है, डिफॉगर्स है, टॉप एंड है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाता है। ऊपर आपको दिया गया इसका शार्क फिन एंटीना,
और पीछे अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉपर 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स है, ऐसे नहीं कि दो ही दे दिए, 1, 2, 3, 4, और ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा जो काफ़ी अच्छी फील्ड का है। अगर मैं बात करूँ बूट साइज़ की तो वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब उसमें थोड़ा चेंजेस करती तो और मज़ा आता, पर ये 350 लीटर की अराउंड है, 350 भी नहीं है, ये अराउंड 328 लीटर का है ये एग्जैक्ट, और कॉम्पिटिशन से उतना ज़्यादा नहीं है पर डिसेंट सा है, और एक अच्छी बात है कि काफ़ी वाइड है तो काफ़ी आप आसान एक मतलब सामान ठूस सकते हैं। ये अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीट, पार्सल शेल्फ और बूट लैंप भी दिया गया है जिसको आपको मैनुअल ही चालू करना पड़ेगा, तो एक अच्छी बात है कि अगर आप देख रहे हैं तो बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा साइज़ का दे दिया है कंपनी ने। स्पेस की अगर बात करें तो ब्रेज़ा ऐसी गाड़ी है, ब्रेज़ा और नेक्सॉन सेगमेंट में, जिसमें अगर आप बैठते हैं तो आपको स्पेस की कभी कंप्लेंट नहीं होगी। अब ये थोड़े एक्सेसरीज पड़े हैं गाड़ी के, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं आर्मरेस्ट दिया गया है विद कप होल्डर्स, यहाँ पे आपको मिलता है, ऐसे नहीं कि नहीं है, थोड़ा सा ये प्लास्टिक है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, और अगर आप देखते हैं तो रीडिंग लैंप आपको यहाँ पे बूट के ऊपर भी मिलता है, जो इधर एक्चुअली होना चाहिए था पर ये सनरूफ की वजह से आपको वहाँ पे मिलता है, तो एक अच्छी बात है आगे भी दिया आपको। और स्पेस के मामले में आप ब्रेज़ा से कभी शिकायत नहीं करेंगे, और पीछे आपको यहाँ पे दिए गए हैं एसी वेंट्स, और दो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे है टाइप सी और एक टाइप ए का चार्जिंग पोर्ट, तो आपको दोनों टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए, ऐसे नहीं कि दोनों टाइप सी दे दिए, ऐसा नहीं कर दिया, मतलब फिर भी आपको काफ़ी अच्छा एक वर्सेटिलिटी मिलती है। अब चलते हैं आगे, और आगे के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेजर चेंज हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दिया गया है, और अंदर देखते हैं तो पूरा का पूरा ब्लैक इंटीरियर है, अभी यही थोड़ा सा एक डुअल टोन हो जाए तो मज़ा आता, पर वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको सिंगल टोन में ही इंटीरियर दिए गए हैं। फैब्रिक की सीट्स आती है, लेदर की नहीं है, ये पूरे फैब्रिक की सीट्स है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं आगे, और अगर आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक हम देख रहे हैं, तो डेड पेडल भी प्रॉपर दिया गया है। यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे भी दुनिया भर के बटन्स दे दिए हैं, ये ऑल 4 पावर विंडोज़ लॉक अनलॉक करने के लिए, और ये ORVM को एडजस्ट करने के लिए। ट्विटर की प्लेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और स्पीकर्स भी काफ़ी अच्छे इसमें बजते हैं। अब चलते हैं अंदर और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो इधर से ही बात स्टार्ट कर लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्ट स्टॉप का बटन दे दिया है कंपनी ने, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे और एक नया फीचर है जहाँ पे ब्रेज़ा में पहली बार ही दिया गया है, ये बलेनो में भी आता है, ये है HUD माने हेड्स अप डिस्प्ले, हेड अप डिस्प्ले, जिसमें आपको अगर आप देख रहे हैं ना तो आपको पूरा टाइम नीचे नहीं देखना पड़ेगा स्पीड के लिए, स्पीड आपको सामने ही दिखेगी। वो कैसे वो आपको बताता हूँ, ये आपको प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना तो एक कांच का टुकड़ा यहाँ पे आता है, और इसके अंदर एक प्रोजेक्टर है, तो वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, तो आपको इफेक्टिवली आपको नीचे नहीं देखना पड़ेगा स्पीड के लिए, तो आप डायरेक्ट ही देख सकते हैं सामने, मतलब आपके रोड पे ही आपको यहाँ पे स्पीड पता चलेगी या टाइम पता चलेगा, सभी का सभी मतलब सब इन्फो आपको उधर से ही पता चलेगी। तो ये है एक यूज़ HUD का, जो काफ़ी एक अच्छा फीचर है इस गाड़ी के लिए, और इसे कंट्रोल करने के लिए आपको बटन्स है, मतलब अगर आपको ये ऊपर करना है या नीचे करना है तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। तो ये एक है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको व्यू का बटन मिलता है, मतलब 360 डिग्री कैमरा, हेडसअप डिस्प्ले इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है, पर अब ये क्यों ऊपर नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने 2 बार ट्राई किया पर अभी वो नहीं हो रहा है, पर इसमें यहाँ पे आपको हेडसअप डिस्प्ले आता है। ये ऑटो ऑन ऑफ मतलब आइडल स्टार्ट स्टॉप की टेक्नोलॉजी वाला यहाँ पे बटन, और ये हेडलैम्प लेवलिंग के लिए। अब अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देख रही इसका 360 डिग्री कैमरा का व्यू आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा है, आप देखिए पूरा का पूरा आपको यहाँ पे लुक देती है, मतलब चारों तरफ क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके मिड पार्ट से, मतलब अगर इंटीरियर की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इंटीरियर इन्होंने चेंज कर दिया था लास्ट टाइम। तो यहाँ पे आपको मिलता है डी कट वाला स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे आपको दिया गया इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पर अभी भी ये दंडी दी है इसे चेंज करने के लिए, ये थोड़ा डेट हो सकता था तो वहाँ पे वो चेंज है, क्यों लेकिन हम अभी थोड़ी कम दिखा रहे क्योंकि गाड़ी बहुत आइडल पे थी। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं लेदर ऐप की स्टेयरिंग व्हील दिया है कंपनी ने, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं क्रूज कंट्रोल मिलता है, पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, तो आपको ऑटोमेटिक के साथ आपको पैडल शिफ्टर्स भी कंपनी देती है। डी कट वाला काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग व्हील है, काफ़ी अच्छी ग्रिप है,
और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कॉल काठियाँ उठाने के लिए। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये इसका पूरा टच स्क्रीन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, ये उतना ज़्यादा ब्राउज कर नहीं सकते आप, मतलब लिमिटेड है। पर एक अच्छी बात है कि इसमें अभी एक अपडेट आया था लास्ट मंथ, जिससे आप एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल नहीं है, पर अगर आप पर इसमें आपको वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले चलता है, तो ऐसे नहीं कि अभी वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले नहीं आता था, पर एक अपडेट के बाद इन्होंने इसे काफ़ी अच्छे से एक अपडेट दे दिया है। ये इसका ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे आपको दिया गया इसका सनग्लास होल्डर, लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिरर मिलता है विथ लाइट्स, वो अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको कोई मिरर नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ आपको टिकट होल्डर दिया गया है। और एक सबसे अच्छी बात इसमें क्या ऐड हुई है कि इसमें आपको अभी मिलती है सनरूफ, जो इतनी खुलती है, मतलब ठीक है, मतलब नहीं होने से तो अच्छा है, पर इसमें आपको यहाँ पे सनरूफ भी दी जाती है जो इतनी खुलती है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये इतनी आपको यहाँ पे सनरूफ मिलती है, ये पूरा ओपन होता है, ऐसे नहीं कि इधर तक, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको सनरूफ का आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी सी आपको यहाँ पे सनरूफ मिलती है और यहाँ पे आप इसे मैन्युअली बंद कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखें, ये ऑटोमेटिक एसी है इसका, ये USB का पोर्ट, यहाँ पे 12 का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी इस्तेमाल दिया गया है, मतलब फीचर नहीं पर सभी फीचर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे मिलती है। इनका नया 6 स्पीड का टॉक कन्वर्टर, जिसमें आपको यहाँ पे 6 गियर्स, मतलब पहले 4 स्पीड का आता था, वो काफ़ी मतलब आउटडेटेड लगता था, पर इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपडेट किया है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड का टॉक कन्वर्टर मिलता है, ये इसके 2 कप होल्डर, ये इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जो पहले मिसिंग था। इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं लिमिटेड स्पेस है, पर ठीक है, एटलीस्ट ये स्लाइडिंग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एयरबैग्स, हाँ सेफ्टी की अगर बात करूँ तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और सीट्स में भी 2 आते हैं। और आपके यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मिलते हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे इसका सिस्टम दिया गया है, काफ़ी प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे फीचर्स इसके मिलते हैं। और आप भी इससे निराश नहीं होंगे जब भी आप इस गाड़ी को मतलब खरीदते हैं। थोड़ी महंगी है, मतलब 16.5 लाख ऑटोमेटिक के साथ तो बहुत हो जाता है, क्योंकि 17 लाख में तो इसके एक सेगमेंट ऊपर वाली गाड़ी आते हैं, 15-16 लाख में, तो वहाँ पर थोड़ा कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। तो यही थी इसकी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।